नमस्कार दोस्तों, यूरिन लीकेज की समस्या अगर आपको है, आप एक महिला हैं, तो इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं। देखिए, हमारा पुराना वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें हमने बताया कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है। मूलतः हमने उस वीडियो में बात की थी कि इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन तीन तरह का होता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो कि छींकने खांसने में पेशाब निकल जाए, या पोजीशन चेंज पे या वज़न उठाने में पेशाब निकल जाए, अर्ज इनकॉन्टिनेंस जिसमें आपका जैसे ही लगा कि आपको पेशाब जाना है आपको बाथरूम तक भागना पड़ता है, पेशाब का कंट्रोल कम है तो कुछ बूंदे निकल जाता है, और तीसरा मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस जिसमें कि दोनों के फीचर्स हैं, छींकने खांसने में भी पेशाब निकल सकता है और पेशाब के ऊपर कंट्रोल भी आपका थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आइए अब बात करते हैं इस इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन, यूरिन लीकेज का हम इलाज कैसे करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, छींकने खांसने में निकलने वाले पेशाब का हम इलाज कैसे किया जाए। आमतौर पर देखा गया है कि ये जो है इनकॉन्टिनेंस आपका बड़ी उम्र की महिलाओं में मिलता है, ख़ास तौर पर मेनोपॉज के पास जो पहुंच गई हैं, जो दो या तीन से या उससे अधिक बच्चों की माँ है, जिनके ख़ास तौर पर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई थी, ऐसी महिलाओं में आपका पेल्विक फ्लोर मसल वीकनेस होती है जिसके कारण पेशाब का कंट्रोल नहीं रहता। वज़न उठाने पे या पेट का प्रेशर बढ़ने पर, खांसने पे, छींकने पे पेशाब निकलता है। ऐसे में हम पेशेंट्स को सिखाते हैं पेल्विक मसल फोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज, जिनको आमतौर पे कीगल एक्सरसाइज के नाम से जाना जाता है, बहुत कॉमन है। ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, ये हर कोई कर सकता है। एडवाइस ये रहती है कि 5 से 7 मिनट दिन में आप 3 से 4 बार ये एक्सरसाइज कर लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्या है ये एक्सरसाइज? कुछ नहीं है, अगर मोटा मोटी बताया जाए तो आप ये समझिए कि आप एक बच्चे हैं और आपका प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और आपकी लैटरिन निकलने वाली है, तो ऐसे में आप क्या करते हैं, आप लैटरिन के रास्ते को लंबी सांस लेके भींच लेते हैं और धीरे 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 चलते हैं। बस इसी प्रकार से आपको दिन में 5 से 7 मिनट तक 3 से 4 बार चलना है। ऐसा करने से आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स टाइटन होती हैं, उनकी स्ट्रेंथ वापस आती है और आपका स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कम हो जाता है, पेशाब पे कंट्रोल सुधर जाता है। दूसरा इनकॉन्टिनेंस हमने बात करी थी अर्ज इनकॉन्टिनेंस, जिसमें आपका पेशाब का कंट्रोल कम हो गया, जैसे ही आपको लगा पेशाब जाना चाहिए आपके बाथरूम तक पहुंचने से पहले ही निकल जाता है। इस इनकॉन्टिनेंस को दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है, पर साथ ही साथ इसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं आपको कोई और बीमारी तो नहीं है जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हो, खास तौर पे मधुमेह, डायबिटीज़। अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ का कंट्रोल ठीक होना चाहिए, साथ में आपको हम दवा ऐसी देते हैं जिससे कि पेशाब का कंट्रोल सुधर जाता है और आपका लीकेज कम हो जाता है। इस बीमारी को ठीक करने से पहले आपके यूरोलॉजिस्ट एक अल्ट्रासाउंड और करा के आपका देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पेशाब की थैली में आपका पेशाब करने के बाद पेशाब रह जाता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये आराम से दवाइयों के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तीसरा इनकॉन्टिनेंस जो हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, मिक्स इनकॉन्टिनेंस, जिसमें कि स्ट्रेस, छींकने खांसने पर निकलने वाला पेशाब, और अर्ज कि आपकी इच्छा हुई और पेशाब निकल गया, इन दोनों को ट्रीट करने के लिए मिक्स थेरेपी ही यूज़ की जाती है। आपको कीगल एक्सरसाइजेस भी करनी है और साथ ही साथ आपको यूरोलॉजिस्ट के द्वारा सुझाई हुई दवाइयाँ भी खानी हैं। ये एक बहुत ही सोशली एम्बेरेसिंग प्रॉब्लम है, अधिकतर लोग इसका इलाज नहीं ढूंढते क्योंकि वो शेयर ही नहीं करना चाहते, परंतु अगर आप अपने यूरोलॉजिस्ट से परामर्श लेंगे तो ये बहुत आसानी से ट्रीट की जा सकती है। आपको इसके लिए एम्बेरेस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दवाइयों और एक्सरसाइजेस के द्वारा आप वापस से अपने पेशाब का कंट्रोल ला सकते हैं और एक सोशली हैप्पी लाइफ आप जी सकते हैं। अधिकतर प्रॉब्लम ये आती है कि महिलाएं ये समझ ही नहीं पाती कि हमें इस यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम के लिए किससे परामर्श करें, गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो जाके इसका इलाज चाहती हैं,
पर गायनेकोलॉजिस्ट का ये डोमेन नहीं है, इसके इलाज के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा। गायनेकोलॉजिस्ट आपका वजाइना, यूट्रस या उससे संबंधित बीमारियों के बारे में आपको सलाह दे सकती हैं, परंतु यूरिन लीकेज जो है एक यूरिनरी सिस्टम की प्रॉब्लम है जिसका सही डॉक्टर एक यूरोलॉजिस्ट है जो आपको इसके बारे में बता सकते हैं। तो आप उनके परामर्श लें, दवा लें, एक्सरसाइजेस करें और ठीक हो जाएं। देखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ हमारा ये वीडियो शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, और यदि आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सारे सवालों का जवाब दे पाएँ। थैंक यू।